आज का जो वीडियो रहने वाला है काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, खास तौर पर, जी हाँ, खास तौर पर आप सभी के लिए लाया हूँ जो छात्र और अधीक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक विशेष बैच लेकर आए हैं। साथ ही आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे छात्रावास अधीक्षक भर्ती में, जिसमें जो पहले वैकेंसी निकल कर आई थी छात्रावास अधीक्षक 500 पदों पर, उसको विलंबित कर दिया है। यानी कि कुछ ही दिनों बाद इसकी वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है छात्रावास अधीक्षक की, और साथ ही मात्र 40 दिन में आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर पाएंगे। क्या ये संभव है? तो जी हाँ, मैं कहूँगा बिल्कुल संभव है। अगर आपकी तैयारी हो सकता है, आप पहले से तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जीरो लेवल पर हैं, है ना, तो आपकी तैयारी हो जाएगी छात्रावास अधीक्षक की मात्र 40 दिन में। अगर आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर जुनून है, अगर आप जुनून के साथ तैयारी करना चाहते हैं छात्रावास अधीक्षक की, तो क्या आप 30 से 35 दिन में भी कर पाएंगे? वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो छात्रावास अधीक्षक की तैयारी पहले से कर चुके हैं या फिर तैयारी करना चाहते हैं उन छात्राओं के लिए, या फिर जितने भी मेरे YouTube चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं या जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देख के जरूर जाइएगा। काफ़ी यह महत्वपूर्ण होगा, जो वीडियो है आप सभी के लिए काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो रहने वाला है ना। तो देखिए, छात्रावास अधीक्षक की तैयारी 40 दिन में मात्र हो जाएगी, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं आपको बिल्कुल सिलेबस के तौर पर कंप्लीट क्लास करा दूंगा, कंप्यूटर की क्लास तो चल ही रही है ना। और रही बात छात्रावास अधीक्षक की तैयारी के लिए और आपके सवालों का जवाब मेरे पास है, क्या मेरे प्रश्नों का सवाल यानी कि मेरे प्रश्नों का जवाब आपके पास है? अगर है तो आप कमेंट करके बताइएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक भी दिएगा, वहां पर आप जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं, और आप लोग मेरे प्रश्नों का जवाब जरूर दीजिएगा जो लोग हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं। बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा कि सर, हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी कब तक आएगी? तो मैं उन छात्राओं को कहूँगा, क्या आप तैयार हैं छात्रावास अधीक्षक की एग्जाम देने के लिए? तो मेरा कल एक प्रैक्टिस सेट आने वाला है, कल एक वीडियो आने वाला है कंप्यूटर की, जिसमें 50 प्रश्न रहेंगे, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिस सेट वीडियो रहने वाला है। जाके आप कल ज्वाइन कर लीजिएगा, जो छात्रावास अधीक्षक एग्जाम देने के तत्पर है ना, जाके वहाँ ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर क्लास कंटिन्यू कीजिएगा, और पहले उसका सभी सवालों का, सभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा कल, 50 ऑब्जेक्टिव, उसका सभी का सभी आंसर आना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल वार्डन में 50 नंबर के कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है ना। जो बोल रहे हैं ना कि छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी कब तक आएगी, तो मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिएगा कि आप तैयार हैं छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए, क्या आप एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, आप क्या सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप छात्रावास अधीक्षक की पूरा कंप्लीट सिलेबस अगर आप तैयारी कर चुके हैं, तो कल वीडियो जाके जरूर देखना उसको। और रही बात, देखिए 40 दिन में आपको कैसे तैयारी करना है, तो हमारे चैनल पर बिल्कुल तैयारी कराया जाएगा। जो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं, वो आपके ऊपर है। मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। और सिलेबस सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यह है छात्रावास अधीक्षक में, कि आपको पूरा जो सिलेबस है, सिलेबस कंप्लीट करना होगा, क्योंकि सिलेबस में कहीं भी से आपको उठाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। क्योंकि अभी हाल ही में देखा ना, श्रम निरीक्षक भर्ती का जो एग्जाम हुआ, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, तो वही टॉपिक लेकर आऊंगा जो छात्रावास अधीक्षक में बिल्कुल सिलेक्टेड रहेगा, है ना। तो छात्रावास अधीक्षक की सबसे पहले हम सिलेबस बात करेंगे और इसकी योग्यता क्या है, सब हमको आपको बताएंगे। पहले जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, कि जो छात्रावास अधीक्षक है, इसकी वैकेंसी तो मान लीजिएगा, चलिए जो छात्रावास अधीक्षक वैकेंसी नहीं आ रहे बोल रहे थे ना, तो मान लीजिएगा अगर छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी आ जाता है, तो आप लोग मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा, है ना। अगर मान लीजिएगा अगर वैकेंसी आ गई और आपको 1 से 1.5 माह का समय दिया गया, अब क्या आप तैयारी कर लेंगे, हैं, क्या आप तैयारी कर पाएंगे? अगर जो पहले से तैयारी करके बैठ चुके हैं या निराश हो गए हैं कि अभी वैकेंसी नहीं आ रही, तो चुपचाप ना बैठिएगा, कम से कम रिवाइज करते चलिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री कराया जा रहा है, यूट्यूब पर अपलोड किया जा रहा है, साथ ही मेंबरशिप भी क्लास चलाई जा रही है। अगर मेंबरशिप में आपने जुड़ना है, तो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन, जैसे ज्वाइन का बटन दिख रहा हो ना, वहां पर क्लिक कीजिएगा, आपको मेंबरशिप की क्लास भी मिल जाएगी, है ना। और छात्रावास अधीक्षक की आपको तैयारी कैसे करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी कि छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कैसे करना है, तो वीडियो को लास्ट तक देख के जरूर जाइएगा।
और जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि उनको नोटिफिकेशन मिलेगा जब मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा, है ना। तो देखिए, आप सबसे पहले छात्र और अधीक्षक के सिलेबस के बारे में कैसे जानकारी लेना है कि और कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको कौन से सब्जेक्ट के कैसे तैयारी करना है, कितने नंबर का तैयारी करना है, हम आपको बताएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस आपका टोटल 150 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 150 प्रश्न रहेंगे, 150 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, हॉस्टल वार्डन में, जिसमें आपको कंप्यूटर में 50 नंबर प्रश्न रहेंगे, आपको लाना अनिवार्य रहता है 25 नंबर, अन्यथा आपका OMRC चेक नहीं किया जाएगा। आपको मैं पहले से ही बता रहा हूँ, चाहे गणित में, हिंदी में, इंग्लिश में, कोई भी सब्जेक्ट में आप सभी के सभी नंबर कंप्लीट ला लोगे फिर भी उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। जब तक आप कंप्यूटर में पास नहीं होगे आपका OMRC चेक नहीं किया जाएगा। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग सेटिस्फाई कीजिएगा, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अभी अगर आप लोग जीरो लेवल पर है ना, तो अब भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और चुपचाप बैठे हैं तो उसका तो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कीजिएगा, है ना। तो हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जा रहा है। और सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो क्वालिफिकेशन है आपका, बॉडी पास रहेगा, कंप्यूटर तो मनता ही है, कंप्यूटर स्टार्टिंग में नहीं मनता, जो कंप्यूटर है आपका जब आप एग्जाम में क्लियर हो जाएंगे तब आप जैसे इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर की डिग्री मंगा जाएगा, ठीक है। तो आप बारी पास प्लस ग्रेजुएट वाले फॉर्म भर सकते हैं ना। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस को ध्यान से समझना, जिसमें कंप्यूटर का 50 नंबर पूछा जाएगा। और सबसे पहली बात, आपको कौन से बुक से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर कंप्यूटर का 50 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। तो जैसे सिलेबस आपको 50 नंबर का है, सबसे मेन फोकस क्या आपका कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर का आप चाहे बुक आप हरिराम का ले सकते हैं या फिर मंथन का, मंथन बेस्ट रहेगा। आप लोग मंथन की एक बुक आती है उसको सजेस्ट कर लीजिएगा, है ना। अब बात करते हैं हिंदी का, तो हिंदी आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा, उतना कोई खास नहीं है, आप लोग ग्रामर वगैरह पढ़ लीजिएगा, जो भी आप पुराना जैसे पिछले कक्षाओं में 10वीं 12वीं से जो भी आप पढ़े होंगे ना, तो ग्रामर तो आपको मालूम ही होगा, हिंदी में ग्रामर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संधि वंधि समास वगैरह, है ना, ये सब विलोम शब्द, ये सब बहुत सारे एग्जाम पूछे जाते हैं, जो कॉमन सी बात है, हिंदी 10 नंबर का पूछा जा रहा है तो उतना आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप HR का ले लो हरिराम पटेल का, या फिर कोई एक और आती है, नाम याद नहीं आ रहा उनका, जो ग्रामर से आता है, आप ले लीजिएगा ना उसका, देख लीजिएगा। मेरे क्लास में नहीं पढ़ाता, मैं हिंदी की क्लास नहीं ले पाता। तो यहाँ पर देखिए, अब इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, तो जो इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका, उस बुक से आप लोग ग्रामर तो आपको मालूम होगा, टेंस वेंस वगैरह कॉल वॉल, है ना, ये पर्यायवाची शब्द आपको मालूम ही होगा कि ये परफिक्स सुफिक्स ये सब इंग्लिश में पूछे जाते हैं, ग्रामर से, है ना, बहुत सारे कुछ पूछे जाते हैं, वो भी 10 नंबर का आएगा। तो आप एक परफेक्शन की बुक आती है ना, परफेक्शन की बुक आती है, ज़्यादा इसकी कीमत नहीं है, 200 रुपये के आसपास होगा, आप देख लेना उसको। अब बात करते हैं गणित का, तो गणित आपका 20 नंबर का पूछा ही जाएगा, हर एक एग्जाम में गणित के सवाल रहते हैं। देखिए, कॉमन बात है कि आप साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, जैसे कि आप LCM SCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक हो गया, भिन्न हो गया, साधारण ब्याज, यहाँ से कुछ जैसे आप इधर देखिए ब्याज वगैरह से SI वगैरह में कुछ डाउट पूछे जाते हैं, या फिर रेखा कोण वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ ही क्या है आपका जो भिन्न है ना, डायग्राम वगैरह से, वहाँ से पाई चार्ट वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाएगा, इसमें रीजनिंग नहीं पूछा जाएगा। सबसे मेन बात क्या है आपको पता है, हॉस्टल वार्डन आपका रीजनिंग नहीं पूछा जाएगा, है ना, रीजनिंग इसमें आएगा ही नहीं, रीजनिंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इसमें। तो गणित से आपका 20 नंबर रहेगा तो आप HD आता होगा या फिर नवीन अंक गणित ले लीजिएगा। आप लोग देखिए, दोनों बुक अलग अलग है ना, दोनों का जो कंटेंट है बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें थोड़ा अलग दिया है, इसमें भी अलग दिया है। अब जब आप बुक सजेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा आप कैसे तैयारी करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, अन्यथा तो हमारी क्लासेस में तैयारी कराई जा रही है। अगर आप करना चाहते हैं, जो इच्छुक है, तो हमारे चैनल पर कर सकते हैं, है ना। और रही बात देखिए, उसमें दोनों डिफरेंट अलग अलग बुक रहता है, आप जो भी इच्छा है आप लोग जो भी कर सकते हो, है ना। अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान का, जिसमें 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो सामान्य ज्ञान आप सभी को मालूम है,
भारत को समझने का कहां से कैसे पूछा जाता है तो आप लोग देख लीजिएगा। आपको कल वीडियो में, आपको पहले ही वीडियो में आपको सामान्य ज्ञान की क्लास चल रही है। आप लोग अगर क्लास करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे चैनल पर, है ना। तो सामान्य ज्ञान जैसे एक लूसेंट है, एक लूसेंट की बुक आती है, एच आर हरिराम पटेल की आती है, आप कोई भी आप देख लो, है ना। मैं नहीं कहूँगी ये बुक पढ़ लो करके, आप लोग देख लो कौन से बुक पढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बुक से आप पढ़ सकते हैं। मैं यही भी नहीं बोल रहा हूँ कि यही बुक से क्वेश्चन फंसेगा करके, आप लोग सजेस्ट कर लीजिएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही बुक पढ़ो तो यही बुक से आएगा करके, है ना। मैं अपना जो बता रहा हूँ, जो मेरा जो एक्सपीरियंस है व्यापम का, मैं भी बहुत सारे एग्जाम दिया हूँ व्यापम से, तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा ना। क्वेश्चन कहीं भी से उठा के क्वेश्चन दे दिया जाता है एग्जाम में। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का तो आप एचआर ले लो हरिराम पटेल, क्योंकि उसका जो कॉन्टेंट है बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो आप लोग देख लीजिएगा हरिराम का। और समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर के बारे में बात करें तो 15 नंबर का पूछा जाता है, तो अर्जुना की है, पब्लिकिस के बहुत सारे जो आते हैं करंट अफेयर, आप लोग देख लीजिए पत्रिका वगैरह से, या फिर डेली न्यूज व्यूज पढ़ा करो, वहां से आपको कुछ मिल जाएगा। हाल ही में भी देखिए चंद्रयान थ्री के बारे में, तो चंद्रयान थ्री के बारे में आपको डिटेल एक क्लास ले लिया हूँ वहाँ। आप चंद्रयान थ्री की क्लास नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप देख सकते हैं चंद्रयान थ्री के बारे में। तो ऐसे कुछ अपडेटेड जो रहती है ना करंट अफेयर 6 मंथ का, यानी कि 6 महीने तक आप या साल भर तक आप कुछ करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, वहां से आपको हो जाएगा सजेशन लगता है ना। अब बात करते हैं सबसे नया पैटर्न है, इसमें 10 नंबर ऐड किया गया है बाल मनोविज्ञान से। तो बाल मनोविज्ञान से कुछ ऐड किया गया है छात्रा और अधीक्षक में 10 नंबर का, तो उसकी बुक नहीं बता सकता मैं आपका, लेकिन तैयारी करवा सकता हूँ कि बाल मनोविज्ञान से कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है, और ये 10 नंबर का पूछा जाएगा, ज्यादा उतना नहीं है। तो आप कवर हमारे चैनल पर करा दिया जाएगा, आप कवर कर लीजिएगा ना बाल मनोविज्ञान से, वहाँ 10 नंबर का पूछा जाएगा डेली। आप अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप सही ढंग से अगर तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम जितने मेहनत से आप सभी के लिए वीडियो लेकर आते हैं, इतना ऐसा हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, मोटिवेशनल भी देते हैं, तो मैं कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं ना। तो आप लोग लाइक कीजिएगा वीडियो को, है ना, कम से कम वीडियो लाइक आ जाए, तो हमको भी अंदर से फीलिंग आएगा कि खुशी आएगा कि आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हो, है ना। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, है ना, क्योंकि लाइक आएगा, बहुत ज़्यादा लाइक आएगा, तो हमको भी पसंद आएगा कि आप लोग हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हो, हमारे जो कॉन्टेंट है उसको भी पसंद कर रहे हो, जो हमारे बोलचाल की भाषा है, जो हम पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं, या हम कोशिश कर रहे हैं कि अब आपको सिलेबस के तौर पर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कि हम एकदम कंप्लीट करा देंगे, ऐसा बात नहीं है, हम अब कोशिश कर सकते हैं कि आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आपको इच्छुक है तो आप लोग पढ़िएगा, वरना बहुत सारे यूट्यूब है, बहुत सारे यूट्यूब से आप वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि मेरे चैनल से वीडियो देखो, पर मैं नहीं कर रहा हूँ कि आइए मेरे ही क्लास में ज्वाइन कर लीजिए करके, आप कोई भी वीडियो से पढ़ सकते हैं, कोई भी जो यूट्यूबर है उनसे आप भी पढ़ सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि जिनको जो कंटेंट अच्छा लगता है, जिसको पसंद आएगा, वो तो क्लास करेगा ही ना, है सीधी बात है ना। अब बात करते हैं इसके बारे में, देखिए डिटेल अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगा, तो आपको पूरा कंफर्म करा क्लास में आपको बिल्कुल समझा दूंगा कि इस टॉपिक से, मैं तो आपको पूरा टॉपिक बता दिया हूँ कि आपको कैसे तैयारी करना, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसे तैयारी करना है। मैं तो आपको शुरू में स्टार्टिंग बताया था कि 40 दिन में आपको तैयारी हो जाएगा करके, कैसे करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं तो आपको 30-35 दिन में करा दूंगा, आपको निर्भर कैसे करेगा फिर आप, मतलब जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बस रिवाइज करना जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो मेरा पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, या फिर डेली क्लास करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। कैसा लगा आपको एक बार वीडियो आप लोग बताओ तो कमेंट करके, ताकि मुझे भी फील आए कि मैं क्लास ले रहा हूँ कि कैसा है, किस टाइप का क्लास आपको लेना चाहिए, ये टाइप का मैं फिर, है ना, मैं समझ रहा हूँ ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए फिर, है ना, धन्यवाद आप सभी को जो हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, जो डेली क्लास कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं ना, इसके लिए चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फिर क्लास कल से स्टार्ट किया जा रहा है छात्रावास अधीक्षक की, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा।